उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 8 आईएएस अफसरों को तबादला कर दिया है, साथ ही एक आईएफएस अफसर और 4 पीसीएस अफसर को भी ट्रांसफर कर दिया है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी को भी बदला गया है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका को हटाकर आईएएस सवीन बंसल को जिलाधिकारी बनाया गया है। नवनियुक्ति जिलाधिकारी सवीन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। सवीन बंसल 2009 बैच का आईएएस अधिकारी हैं। पदभार संभालते ही मीडिया से रूबरू होकर अपनी प्राथमिकताएं बताएं। सवीन बंसल ने बताया कि नगर निगम की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है, साथ ही यातायात, लैंड डिस्प्यूट, क्राइम, सरकार के योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो पार्किंग की हमारी समस्या एक मुख्य है, मतलब आई एडमिट इन अ सिटी लाइक देहरादून, इसमें हमारी कई संस्थाएं डिस्पेरेटली पार्किंग को अंजाम देती हैं। एक तरफ से हो सकता है कि कुछ एमबीडीए की पार्किंग हों, कुछ नगर निगम की हों, कुछ हो सकता है हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कैपिटल सिटी में यूज करती हैं उनकी हों। सो आई विल इंश्योर कि इनका हम सबको एक बार वी विल गेट देम अराउंड, उनको हमें उनका साझा प्लान इख्तियार करवाते अलॉन्ग विद द पुलिस डिपार्टमेंट। ये कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की पार्किंग की व्यवधान उत्पन्न कर रही है बजाय सोल्यूशन के, तो उसमें हम आगे कुछ स्टेप्स ले सकें, प्रोग्रेसिव ले सकें। पब्लिक फीडबैक भी लिया जाएगा, जो वहाँ के लोकल चाहे ऑक्यूपेशन ओनर्स हैं या सिटीजन्स हैं जो लोकली रह रहे हैं, उनसे ही बात की। सर, दो स्मार्ट तो नहीं हुआ?